रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस का ट्रेलर फाइनल रिलीज हो चुका है। 3 मिनट 38 सेकंड का जो ट्रेलर है, मुझे कैसा लगा? एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है फिल्म में, ट्रेलर में क्या हो रहा है। और इतना बड़ा ट्रेलर पहले तो रिलीज करना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रोहित शेट्टी सिर्फ एक ही ट्रेलर रिलीज करके पब्लिक को एक्साइट करना चाहते थे। कैरेक्टर सभी अच्छे हैं, सभी दमदार हैं। इन सब कैरेक्टर्स को मैं देख चुका हूँ, मुझे फिल्में रोहित शेट्टी की हमेशा बहुत पसंद आती है। यहाँ पर भी जो चीज़ें मुझे दिख रही है, बहुत ही कलरफुल दिख रहा है, बहुत ही हैवी ड्यूटी VFX लग रहा है। विंटेज कार है, कार्स बहुत सारी लेकिन विंटेज है, 60s के दौर की कहानी है। टीज़ में बहुत कुछ चीज़ों को एक साथ रखने की कोशिश की गई है, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें सबके जो शॉर्ट्स है वो दिखाए गए, जैसे जैकलीन है यहाँ पे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे रणवीर सिंह डबल लुक में है, इसके अलावा आपको वरुण शर्मा डबल रोल में नजर आएंगे चूचा हमारे। इसके अलावा दीपिका पादुकोण एंट्री दी है उनकी लास्ट में, और साथ में गोलमाल 4 के बारे में भी, सॉरी 5 के बारे में भी हिंट दिया, गोलमाल 5 के बारे में भी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, और एक शॉट अगर आप देखोगे 3 मिनट 19 सेकंड पर एक शॉट आता है जहाँ पर रणवीर सिंह बैठे रहते, पीछे से कोई शख्स आता है, मुझे लगता है वो शख्स कोई और नहीं, शायद सर अपने अजय देवगन सर होंगे। तो बहुत लॉजिकल नहीं है, तो लॉजिक्स के हिसाब से बात करूंगा तो मैं इसको 1 स्टार दूंगा लॉजिक्स, क्योंकि लॉजिक को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कोई भी डायलॉग बोल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर एक ओवरऑल कंप्लीट ट्रेलर देखा जाए, जो रोहित शेट्टी की फिल्मों का ट्रेलर होता है, एक एंटरटेनमेंट से भरा है ट्रेलर, फैमिली फिल्म है, सी बातों कोई अच्छी चीज़ होती नहीं है, कलरफुल है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग भी इस फिल्म को देख सकेंगे। फिल्म कितनी अच्छी होगी तो हम फिल्म देख के बाद बताएंगे, लेकिन हाँ, ट्रेलर से इतना तो साफ होता है कि ये पिक्चर में आपको बिना दिमाग लगाए देखना होगा, दिमाग घर पे छोड़ना होगा, तो ही आपको ये ट्रेलर ये फिल्म पसंद आएगी। ट्रेलर देखकर मैं यही कहूँगा कि 1970s में मैंने फिल्म देखी थी अंगूर आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें संजीव कुमार का डबल रोल रहता है, और उनके जो को स्टार रहते हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी सुबह मुझे पढ़ ही रहा था, उनका भी डबल रोल रहता है। तो यहाँ पर इस फिल्म में भी वरुण शर्मा और रणवीर सिंह का डबल रोल होगा। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो ट्रेलर मुझे ओके लगा है, बहुत खास नहीं लगा जो मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद है गाने जब आएंगे तो शायद मुझे और अच्छा लगेगा। और रोहित शेट्टी की फिल्म से ना जितना भी आप उम्मीद करो उससे ज़्यादा ही वो निखर कर आती है, तो मैं वेट करूँगा इसके गानों का या बाकी सारी चीज़ों का। लेकिन मैं चाहता था कि ट्रेलर थोड़ा सा छोटा होता और इसमें कोई हीरो की एंट्री दिखाते, जैसे अक्षय या फिर जैसे अजय देवगन, तो शायद मैं और अच्छी रेटिंग दे देता। लेकिन फिलहाल 2.5 स्टार मैं दूंगा 5 में से, और थोड़ा लॉजिकल ट्रेलर होता शायद अच्छी रेटिंग देता। लेकिन हाँ, जॉनी लीवर को कहा देखा जाए या फिर जितने भी एक्टर्स हैं सबको देखा जाए तो मुझे सब अच्छे लगे हैं। पुरानी नॉस्टैल्जिया फिल्म फील आ रहा है, मतलब जैसे पुरानी फैमिली की फिल्म देखी, उनकी सबकी सब चीज़ों की याद आ रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 3 मिनट 38 सेकंड का जितना ट्रेलर है उससे छोटा तो मेरा रिव्यू होने वाला है, क्योंकि क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, म्यूज़िक अच्छा खासा है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कम से कम फिल्म का बजट 150 करोड़ होगा। ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि फिल्म 23 दिसंबर 2022 को जब रिलीज़ हो तो बहुत अच्छी चले। हाँ, खास चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ट्रेलर में, मैं बताता हूँ, आखिर में दीपिका पादुकोण का आना जान फूक देता है ट्रेलर में, और अजय देवगन ने शायद हिंट दिया है 3 मिनट 19 सेकंड पर, अगर आप ध्यान दोगे तो, एक तो वो, और आखिर में गोलमाल 5 के बारे में जो अपडेट आया है वो, तो सब अच्छा लगा। मीत आपसे रेटिंग मैं दे दिए 2.5 स्टार। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे शाम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।